मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस का चेहरा है। चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए अब वे भी हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। कमलनाथ के इस कदम से भाजपा में तो खलबली है ही, साथ ही कांग्रेस में भी खुलकर बेचैनी देखी जा सकती है, जिसकी वजह है कि ये कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री से राम कथा करवाई। इस कथा में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवा कर कमलनाथ काफी गदगद दिखे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उन पर कई सवाल दाग दिए। जवाब में कमलनाथ ने कहा कि मैं कुछ भी करूं, किसी के पेट में दर्द क्यों होता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठाए हो। इससे पहले भी खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस में वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी धीरेंद्र शास्त्री पर जुबानी हमले बोल चुके हैं। बावजूद इसके कमलनाथ बाबा बागेश्वर से मिलने उनके धाम गए, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा में रामकथा करने के लिए धीरेंद्र शास्त्री को आमंत्रित किया। रामकथा भी हुई और कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र पर बयान भी दे डाला। कहा कि जब देश में 80% हिंदू आबादी है तो सब कुछ खुद ही क्लियर हो जाता है। पहले आप उनका हिंदुत्व पर दिया ये बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कमलनाथ को लेकर क्या कुछ कहा। नहीं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करी, गलत मत बोलो। नहीं सर, हिंदू राष्ट्र की बात ऐसे इन्होंने हिंदू सब धर्म की बात करी, सब धर्म का है ये देश। उन्होंने सर्वधर्म का कल पूरा दिन डेडिकेट किया, वो बैठे थे, उनको मंच पर बुलाया तो कौन से। हालांकि सर, हर जगह पर जहां भी जाते हैं उनकी मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया हुआ। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू कैदा कर रहे हैं। विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज हो वहाँ कोई बहस की बात है, ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता, ये तो आंकड़े बताते हैं। कमलनाथ का ये चेहरा कांग्रेस में उन्हें सबसे अलग करता है। शायद यही वजह है कि पार्टी के सीनियर नेता प्रमोद कृष्णम ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट कर डाले। उन्होंने लिखा कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा, हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वज वाहक जयराम रमेश, दिग्विजय और मल्लिका अर्जुन खड़गे सब खामोश हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट के बाद ये सवाल उठता है कि धीरेंद्र शास्त्री कई बार मंच से खुलकर हिंदू राष्ट्र की वकालत कर चुके हैं, जिसका कांग्रेस समर्थन नहीं करती है, और सेक्युलरिज्म की बात करके ये तर्क देती है कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो फिर कमलनाथ को बागेश्वर सरकार की जरूरत क्यों पड़ गई है। खैर, ये तो रही कांग्रेस की अंदरूनी बात। अब सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्ण के ट्वीट पर जब कमलनाथ का जवाब आया तो क्या हुआ। तो कोई इनसे दूर नहीं है। प्रमोद कृष्णन सर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता आप कोई कुछ कहें, कोई कुछ कहें, मैं नहीं जानता क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है। सर सेंगर आपके विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कमलनाथ के इस बयान के बाद आचार्य प्रमोद थोड़ा बैकफुट पर दिखे और फिर ट्वीट किया कि सवाल पेट दर्द का नहीं है प्रभु, हम भी यही चाहते हैं कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के सहयोग से, न कि कुछ लंपटों के रहमो करम से। कांग्रेस की जो विचारधारा है, इस हिसाब से ये सवाल तो जरूर उठेगा कि कमलनाथ किस कांग्रेस में है। एक तरफ तो पार्टी सेक्युलरिज्म की बात कर रही है, तो दूसरी ओर कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर से कथा करवाते हैं। कमलनाथ के इस कदम से भाजपा तो असमंजस में ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अब कांग्रेस में उथल पुथल देखी जा रही है। खैर, कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ही जाने। पंजाब केसरी के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।